बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्यसभा में अपने पहले भाषण में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने भाषण में एक बार फिर कांग्रेस पर घोटालों के आरोप लगाए और कहा कि देश की जनता ने इन्हें हराया। आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन हमने एनडीए को सरकार में शामिल किया। शाह ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया, तब उन्होंने कहा था कि यह सरकार गरीबों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी और दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत पर चलेगी। खाप पंचायत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। खाप पंचायत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने आज सुनवाई के दौरान साफ कहा कि अगर दो वयस्क शादी करते हैं तो कोई भी तीसरा व्यक्ति दखल नहीं दे सकता, चाहे वह परिवार का हो, समाज का हो या फिर कोई और, उनका कोई लेना देना नहीं। खाप मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। सीज फायर उल्लंघन पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। पाकिस्तान की ओर से LOC पर लगातार फायरिंग में कैप्टन समेत सेना के 4 जवानों की शहादत के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक रविंद्र रैना ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और नारेबाजी की। रविंद्र रैना ने ही सदन में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। लखनऊ में पत्रकार पर दिन दहाड़े हमला। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक पत्रकार पर हमले का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में 4-5 बदमाश आबिद अली नाम के पत्रकार को पीट रहे हैं, पर बदमाशों को जवाब देने के लिए पत्रकार की पत्नी ने गजब का हौसला दिखाया। उन्होंने अपने घर से रिवॉल्वर निकाला और बदमाशों पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां चलते ही बदमाशों की हेकड़ी निकल गई और वे लोग वहां से फरार हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो लखनऊ के काकोरी इलाके का है। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या मामले में अंकित सक्सेना का वीडियो आया सामने। दिल्ली के ख्याला इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते 23 साल के युवक अंकित की हत्या मामले में CCTV फुटेज सामने आया है। वीडियो में अंकित किसी से मोबाइल फोन पर बातचीत करता नजर आ रहा है। अंकित इस वीडियो में जिस जगह पर दिखाई दे रहा है उससे कुछ ही दूरी पर उसकी हत्या कर दी गई थी। कर्नाटक के मंत्री DK शिवकुमार का फोन फेंकते हुए वीडियो हुआ वायरल। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री DK शिवकुमार का अपने साथ सेल्फी ले रहे व्यक्ति के मोबाइल को हाथ मारकर गिराने का वीडियो सामने आया है। बेल्लारी में जनसभा के लिए मंत्री कार्यक्रम स्थल में पहुंचे थे। यहां भीड़ के बीच एक व्यक्ति ने उनके पास जाकर मोबाइल से सेल्फी क्लिक करने की कोशिश की, लेकिन व्यक्ति को रोकते हुए मंत्री ने गुस्सा दिखाया और उसके मोबाइल को हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत न्यूज.in के साथ।